तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ डायरिया के बारे में, देन मैं आपको वैक्सीनेशन जो मैं पीऊँगा वो भी दिखाऊँगा। तो आ जाएगा, तो ये देखिए गाइस मैं पीने लगा हूँ। सो वेलकम टू माई एन अदर व्लॉग। सो वट इज अप गाइस, तो आज मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, तो मैं उधर आपको सारा दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो आज मेरे साथ तेरे सपने तेरे सपनों में है नाराजगी। जा रहा हूँ इतनी दूर चल के, तो देखते हैं मैं पहुँचता हूँ तो आगे क्या आपके लिए मैं पेश करता हूँ आज का दिन। अब सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉगिंग करूँ, तो इंशाल्लाह डेली ब्लॉगिंग भी शुरू करनी है मैंने अपना। ऐसे शुगल शुगल में जहाँ भी जा रहा हूँ सारा आपको दिखाऊँगा अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है ना। डेली ब्लॉगिंग शुरू हो गई। गाइस मैं आज ड्यूटी पे आया हूँ, तो यहाँ पे पता लगा कि एक बीमारी है दस्त और इसहाल, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरिया। तो ये ना कोई स्पेसिफिक एरियाज है वहाँ पे ये फैली हुई है, तो बहुत ख़तरनाक है जिसके ना केसेस सामने आ रहे हैं। तो मेरे ये जो एरिया इधर भी फैली है, तो मैं आज उसकी वैक्सीनेशन लगवाऊँगा। वैक्सीनेशन लगेगी नहीं, ये OPV है, ओरल है, यानी पिए जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस कैसे पीता हूँ मैं, से स्पेसिफिक एरिया। अगर आपके एरिया में भी ये डायरिया फैला हुआ है तो आपको भी जल्दी से जाके पीना चाहिए। तो मैं आपको पहले कंफर्ट दिखाता हूँ उसके अंदर, फिर आपको ये है कंफर्ट, इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ डायरिया के बारे में, देन मैं आपको वैक्सीनेशन जो मैं पीऊँगा वो भी दिखाऊँगा। इसको यूनिसेफ भी करवा रहा है, गेवी भी करवा रहा है, घूमते पाकिस्तान भी करवा रहा है। तो ये देखिए हैज़ा से बचाओ की 5 रोज़ खसूसी वैक्सीनेशन महम, 10 से 15 अगस्त 2022 तक ये कम्पेन चलेगी। आगे देखिए 1 साल से बड़े तमाम अफराद को हैज़ा से बचाओ की मुफ्त वैक्सीन ज़रूर पिलाएं। वैक्सीन के साथ साथ पानी खुराक और ज़ाती सफाई का भी खसूसी ख्याल रखें, ठीक है ना। तो इसके पीछे देख लेते हैं क्या क्या तदाबीर हैं। तो ये देखिए इस हाल और हैज़ा से बचाओ की खसूसी तदाबीर, पहले देखे इस तस्वीर में पीने का पानी उबाल कर, और दूसरे में देखे इसमें हाथ अच्छे से धोए, सफाई की सब में बताया, और तीसरे में देखे फल और सब्जियों और गोश्त को साफ पानी से धोएं, खाने को अच्छी तरह पका कर खाएं, और खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। और ये देखिए तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो करीबी मरकज़ सेहत या डॉक्टर से रजू करें, ठीक हो गया। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी हेल्पलाइन 1033 पर रबता करना, ठीक हो गया गाइस। ये पढ़ लिया आपने, अच्छे से समझ आ गई होगी होप सो। तो अब मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन पीने, तो आप लोगों ने भी पीनी है जहाँ पे ये हाईलाइट है डायरिया। तो ठीक है गाइस आ जाए फिर। अच्छा तो गाइस ये डॉक्टर अनस साहब, ये मेरे सर भी है, ये डॉक्टर है। तो सर जी मैंने ऐसा की बीमारी डायरिया यानी जो है उसकी वैक्सीनेशन पीनी है, पहले चेक करवाते हैं। ये डायरिया की वैक्सीनेशन है, ये देखिए ये वायल ऊपर ही पड़ी है। ये OPV है यानी फैलाई जाएगी, तो देखते हैं सारे कैसे फैलाते हैं मुझे। आप लोग भी पिए जहाँ जहाँ पे हाईलाइट है डायरिया अपनी एरिए में। सर जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये देखिए गाइस मैं पीने लगा हूँ। कड़वी थी मगर मज़ेदार। ये डॉक्टर एक मज़ेदार। तो मैंने तो अपनी वैक्सीनेशन करा ली है,
अब जहाँ जहाँ पे ये डायरिया फैला हुआ है तो आप लोग भी जल्दी से जाएं और डायरिया की वैक्सीनेशन पिए, ठीक हो गया। मज़े का थी डायरिया की ना डोज, तो मेरी वैक्सीनेशन डायरिया की भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि आपके जो जो इलाके में स्पेसिफिक एरिया जो है ना, दादा गनबख्श टाउन वो हाईलाइट हुआ हुआ, उसके अंदर UC 85, UC 84, UC 83, इन तीनों में ये कंपेन चल रही है 5 दिन की। तो मैंने आपको बता दिया 10 से लेकर 15 अगस्त तक, तो आप लोग भी जाए। अगर आपको किसी को भी थोड़ा से दस्त या इस हाल पता है ना आपको मोशन वगैरह तो किसी को लगे हुए, तो आप भी ये वैक्सीनेशन ले, बहुत ज़रूरी है। जैसे कोरोना की डोज ज़रूरी है ना, वैसे ये भी ज़रूरी है। ये 10 बीमारी IPI शेड्यूल के अंदर आती है, तो उसके अंदर ये डायरिया भी आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अब क्या करे, ऐसा गंदा मुल्क हो चुका है वैक्सीनेशन के बगैर कुछ ही नहीं मुमकिन, तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है अगर पाकिस्तान में रहना है। माशाल्लाह कितना क्यूट बच्चा, देखिए आप कैसे देख रहे हैं, प्यारा सा। ये भी वैक्सीनेशन करवाने आया, इसको अभी इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, तो अभी रो रहा था तो अब चुप कर गया, तो परेशान बैठा हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा। तो बच्चे मुझे बहुत पसंद है, और जिस जिसको पसंद है कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इस ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव भी था, आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके मतलब। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कुछ कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।